अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MUA स्पोर्ट्स। क्रिकेट में आज बड़ी ज़बरदस्त और काफ़ी सारी खबरें हैं डिस्कस करने वाली, तो उनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सारी बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट खबरें हैं। तकरीबन पूरी दुनिया से जो क्रिकेट हो रही है उसके बारे में सारी की सारी अपडेट्स आपको अभी हम बताएंगे इसके अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लें, और उसके अलावा ये कि अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल लाजमी रखा करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच कल आगाज़ हुआ उसके बारे में। तो एक तो ये कि उसके अंदर कल बारिश हुई और तकरीबन सिर्फ 35 ओवर्स का ही खेल हो सका, और उसमें बांग्लादेश ने जो पहले बैटिंग की है उसके 107 रन्स थे, उसके 3 खिलाड़ी आउट थे, जिसके बाद बाकी जो मैच है फिर वो कल के दिन के लिए ना वो उसको कॉल ऑफ कर दिया गया। और आज ये कि वो दूसरा दिन उसका आगाज़ होगा, और एक लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश की जो टीम है उसका कल का दिन इतना बुरा नहीं गुजरा। 35 ओवर में उनका 3 खिलाड़ी आउट थे और 107 रन उन्होंने बनाए थे, तो रन रेट भी उनका तकरीबन ठीक रहा है टेस्ट मैच में, और विकेटें भी उन्होंने तकरीबन बचा ली हैं। उसकी वजह यह कि इंडिया की इतनी मजबूत जो बॉलिंग लाइनअप है उसने तो पिछले टेस्ट मैच में आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश को जो है वो नाकोचने चबवा दिए थे, लेकिन कल फिर भी बांग्लादेश के लिए रिलेटिवली उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ दिन बेहतर रहा है कि बिल्कुल ही उनका जो है ना वो फ्लॉप सी नहीं गया, रेजिस्टेंस शो की है उन्होंने, थोड़ी सी मज़ाहमत की है। और आज देखते हैं कि इंडिया की टीम उनको ऑल आउट कितनी जल्दी कर देती है या कितना बांग्लादेश की टीम जो है वो रन स्कोर करती है। तो ये है जी उसके पहले दिन की खबर। उसके बाद जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो कि गाले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, और उसके ऊपर ये अपडेट है कि उसके अंदर जो श्रीलंका की टीम है उसने टॉस जीत कर पहले फिर बैटिंग का फैसला किया था इस टेस्ट मैच में, और पहले दिन के अख्ताम पर तो उनका तकरीबन 300 के कुछ रन थे और 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन कल भाई उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त बैटिंग की है, और क्या शानदार किस्म की बैटिंग की है। उसमें आप एंजेलो मैथ्यूज़ को ले लें, कमिंडो मेंडिस को ले लें, जिनेश चंदीमल को ले लें। कमिंडो मेंडिस ने तो 182 रन किए हैं, 182 रन किए उन्होंने इनिंग खेली है और वो नॉट आउट रहे हैं, और 600 से ऊपर रन बनाकर तो फिर श्रीलंका ने कहा कि जी अब हम बस करते हैं, अब इनको काफ़ी ज़्यादा थका दिया है हमने न्यूजीलैंड को, और आखिरी सेशन के कुछ ओवर्स हम इनको बॉलिंग भी करते हैं ताकि इनकी थकन का फ़ायदा उठाया जा सके। तो ये एक परफेक्ट टेस्ट मैच है, ये टीम जो खेलती है उस हिसाब से श्रीलंका ने यह टेस्ट मैच जो है उसको आगाज़ किया। पहले दो दिन रज के उनसे उनकी पिटाई की है, 600 से ऊपर रन बनाए और ओवर भी तकरीबन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, कुछ 4.5 के रन रेट से खेले हैं, खेले भी तकरीबन 3.5 के रन रेट से हैं, और तकरीबन 225 के करीब ओवर जो है ना वो उन्होंने खेले हैं, और 175-180 के करीब ओवर्स खेले, और इतने ओवर्स यानी कि दो नई बॉल जो है वो लग जाएँ तो ये मतलब एक टीम के लिए ना इससे बुरी बात नहीं होती, और मतलब उनको अच्छी तरह रोल दिया उनको इस मैच में। और उसके बाद फिर उनकी उनको बुला लिया गया है अब आप आके बैटिंग करें, और आते ही उनकी जो दो विकटें भी निकाल दी। तो कल जब दूसरे दिन का इख्तिताम हुआ है तो सिर्फ न्यूजीलैंड के जो दो खिलाड़ी आउट हैं उनका मेरे ख्याल में 20 या 22 रन हैं उनके। तो न्यूजीलैंड की टीम इस टेस्ट मैच में मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुश्किल का शिकार नज़र आ रही है। आज तीसरा दिन है, और अगर आज न्यूजीलैंड की टीम सर्वाइव कर गई, अब जब एक टीम पहली इनिंग में 600 से ऊपर रन बना देती है और दो डेज भी कंज्यूम कर लेती है, दो दिन इस्तेमाल कर लेती है, तो उसके बाद मैच के नतीजे रिलेटिवली दो ही रह जाते हैं। फिर या तो वो टीम जीतेगी जिसने 600 से ऊपर रन बनाए हैं, या फिर वो मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जाएगा, और तीसरा ऑप्शन बचता नहीं फिर जो दूसरी टीम होती है उसके पास। उसकी वजह ये होती है कि आज अगर न्यूजीलैंड की टीम जो स्कोर है इसको बराबर करने की भी कोशिश करती है, यानी कि 550 से ऊपर रन बनाने की कोशिश करती है, तो उसको दो रन दिन चाहिए होंगे, तीसरा और चौथा दिन। इस तरह अगर चार दिन गुजर जाएंगे तो पाँचवें दिन फिर एक ही दिन में दो इनिंग्स कंक्लूड होना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और फिर ये टेस्ट ड्रॉ की तरफ चला जाता है। और अगर आज न्यूजीलैंड की टीम जल्दी आउट हो गई, 300 तक उनकी टीम जो है वो ऑल आउट होगी, तो इसका मतलब है 300 रन का तो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के पास लीड होगी। तो जब उनके पास 300 रन की लीड होगी तो आसानी से चाहे दो सेशन में भी बैटिंग करें और 200 रन बोर्ड पे लगाएं और 550 रन का टारगेट देके न्यूजीलैंड को जो है वो डेढ़ दिन के अंदर आराम से फारग कर सकते हैं और ऑल आउट कर सकते हैं। तो ये इस मैच की सिचुएशन है। न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ अब एक ही ऑप्शन बची है जो कि ऑस्ट्रेलिया वाला मेथड है, वो ये है कि उनको एक बैटिंग करनी है और अग्रेसिव बैटिंग करनी है और 4.5-5 के रन रेट से बैटिंग करनी है अगर उन्होंने ये टेस्ट मैच जीतना है। उसकी वजह यह है कि अगर इतने रन रेट से वो बैटिंग करेंगे तो आज वो 450-500 के करीब रन बना देंगे एक ही दिन में, तो फिर वो मैच में पूरे तौर पर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये इंतहाई मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है लेकिन इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी दो खिलाड़ी तो उनके आउट हो चुके हैं, पहला टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड की टीम हार चुकी है और इस स्टेडियम के अंदर आज तक कभी ये टीम जीती भी नहीं है।
टेस्ट मैच, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो 80% मैच है, 80-20% वो न्यूजीलैंड श्रीलंका के हाथ में जा चुका है और न्यूजीलैंड के हाथ से निकल चुका है ये टेस्ट मैच। तो ये आ गई उस टेस्ट मैच के हवाले से बातचीत। अब तीसरा मैच जो कल खेला गया वो था जी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान चौथा वनडे इंटरनेशनल, फोर्थ वनडे इंटरनेशनल जो खेला गया कल लंदन में। तो उसके अंदर फिर इंग्लैंड ने जो है वो सरप्राइज़ किया ऑस्ट्रेलिया को और ज़बरदस्त किस्म की उनको जो है वो शिकस्त दी है। अब पहले दो मैचेस आपको याद होगा कि वो दोनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे और तीसरा वनडे जो है वो फिर इंग्लैंड ने जीता था डकवर्थ लुईस मेथड के तहत, और उसमें मेरे ख्याल में 307 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और अच्छा स्कोर था और कंफर्टेबल पोजीशन में था। लेकिन डकवर्थ लुईस मेथड की वजह से बाद में इंग्लैंड ने 256 के करीब जो टारगेट जो है वो चेज़ करना था और वो उन्होंने कर लिया और वो तीसरा वनडे इंटरनेशनल जीत लिया। कल चौथा वनडे इंटरनेशनल मैच था और कल फिर ये हुआ कि एक तो ये कि बारिश होती रही काफ़ी ज़्यादा, मैच काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ और उसकी वजह से ओवर्स भी कट ऑफ हो गया और 39 ओवर्स पर इनिंग जो है वो मैच हुआ फिर, जो कि 50 ओवर्स का होता है तो वो आप समझ लें कि 11-11 ओवर दोनों तरफ से कम हो गए थे। तो वो 39 ओवर्स में इंग्लैंड ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और तकरीबन 300 से ऊपर रन बना दिए, उन्होंने 312 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और उसकी वजह से ये जो इंग्लैंड की टीम है वो एक काफ़ी मजबूत पोजीशन में आ गई क्योंकि उन्होंने 39 ओवर में 312 रन बनाए थे जो नॉर्मल टीम 50 ओवर में भी मुश्किल से बना पाती है। बहरहाल उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग के लिए आई तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सके और 126 रन पर ऑल आउट कर दिया इनको ऑस्ट्रेलिया की टीम को 24 ओवर्स के दरमियान ही 24-25 ओवर्स के दरमियान ही। तो 186 रन से जो है वो इंग्लैंड की टीम ये वनडे इंटरनेशनल मैच जीत गई। अब मज़ेदार सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये है कि अब चार वनडे इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं, दो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हुए और दो इंग्लैंड ने जीते हुए हैं। जो मैंने आपको पहले भी दो तीन वीलॉग पहले बताया होगा कि अब इंग्लैंड के पास एक ही रास्ता है कि तीनों वनडे मैच जीतने पड़ेंगे अगर सीरीज जीतनी है। तो उन्होंने आधा आधा काम तो उन्होंने कर लिया है कि दो वनडे इकट्ठे जीत रही हैं और मैच हो गया बराबर, सीरीज हो गई है बराबर। अब आखिरी वनडे जो है वो समझें कि डू और डाई और फाइनल ही है वो, उसमें जो टीम जीतेगी वही ये जो ओडीआई सीरीज है इसको मिनी एशेज सीरीज भी कहते हैं वो जीत जाएगी। तो इस लिहाज से ये बड़ी ही ज़बरदस्त जो सीरीज़ है हो चुकी हुई है। दरमियान में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि ये सारी बातें जो आपको बता रहा होता हूँ मेरे सामने कोई प्रॉम्प्टर वगैरह नहीं लगा होता या मोबाइल वगैरह ओपन नहीं किया होता, तो मैं पहले सारा कुछ देखने के बाद फिर जब रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ मोबाइल पे तो ये सारा कुछ जहन में जो याद रखा उस हिसाब से बोल रहा होता हूँ कि वन बाय वन हर सीरीज़ को मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ। कोई प्रॉम्प्टर या कोई हेल्प नहीं मुझे ड्यूरिंग इस रिकॉर्डिंग नहीं कि मैं वन गो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसमें कोई नहीं मिलती, इसलिए अगर मैं कोई फिक्स फिगर्स में कोई आगे पीछे कर दूँ कोई मतलब स्कोर गलत बता दूँ तो उसके लिए आपसे पहले से माजरत कर रहा हूँ कि वो ज़ुबानी मैंने सारे फिगर्स याद रखे होते हैं, कौन विन किया कौन हारा किसने कितने रन किए हैं वो सारा कुछ याद रखा होता है। लेकिन इतना कुछ जब इकट्ठे दस टीमों को कवर करना होता है, यानी कि 5 मैचेस अगर हुए हैं तो 10 टीमों को कवर करना बनता है वो, तो उसमें गलती हो सकती है इंसान हो तो उसमें आप उसको बाईपास कर दीजिएगा, और अगर कहीं लगे आपको करेक्शन करनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यू आर मोर देन वेलकम कि आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये आपने चीज़ें यहाँ पे गलत बताई इसकी क्वेश्चन कर लें, हम अगले वीलॉग में उसका डिस्क्लेमर भी दे सकते हैं। तो ये तीन मैचेस की बात होगी, मैच पे वापस आते हैं, तीन ये सीरीज़ का जो चल रही है उनका ये रुपये लबाब आ गया। उसके बाद चौथी सीरीज़ जो स्टार्ट हुई है वो हुई है साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के दरमियान अबूधाबी में, और उसका कल पहला T20 मैच खेला गया और उसमें आयरलैंड ने जो पहले बैटिंग की और तकरीबन 174 रन किए पहले बैटिंग करते हुए, और बाद में जो साउथ अफ्रीका की टीम है उन्होंने वो टारगेट जो है वो बड़े आराम से चेज़ कर लिया 2 विकेटों के नुकसान पर। तो वो जो अबू धाबी और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 मैच खेला गया है वो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है बड़े आराम से और 2 विकेटों के नुकसान पर। साउथ अफ्रीका की टीम वैसे भी बड़ी मजबूत टीम है आयरलैंड के मुकाबले में, अगर देखा जाए तो बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी फॉर्म में टीम है वो, तो इसलिए उन्होंने वो पहला T20 मैच जीत लिया है। अब अगले जो मैच स्टार्ट होंगे तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये चौथे मैच का ये लुबेरबाब आ गया। अब आप पाँचवें पे मैं हमेशा पाकिस्तान की जो खबर है वो सबसे एंड पे इसलिए रखता होता हूँ कि इसके थोड़ी लंबी बहस करनी होती है, इसके ऊपर इसको हमें समझना होता है देखना होता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त चैंपियंस कप चल रहा है, कल उसका जो है वो सेकंड एलिमिनेटर कह लें या सेकंड क्वालिफायर कह लें वो खेला गया, और खेला गया मैं कह रहा हूँ लेकिन वो नहीं खेला गया, वो नहीं हुआ मैच, वो था जी मार्कोज और लायंस के दरमियान। आपको याद होगा मैं सारी चीज़ें दरमियान दोबारा से रिलेट कर देता हूँ कि जो पहला क्वालिफायर खेला गया था वो मार्कोज और पैंथर्स के दरमियान खेला गया था जिसमें पैंथर्स की टीम जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी, जबकि मार्कोज की टीम जो है उसने फिर अब दोबारा क्वालिफाइंग राउंड खेलना था, क्वालिफायर मैच खेलना था। दूसरा जो फिर एलिमिनेटर मैच हुआ वो लायंस और स्टालियंस के दरमियान हुआ, जो कि बड़ा टफ मैच था और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था वो, और उसमें लायंस की टीम जीत गई, स्टालियंस की टीम जो है वो टारगेट चेज़ नहीं कर सकी थी 252 रन का, और वो हार गए थे। तो
तो वो बाहर हो गया है जो स्टालियंस की टीम है। तो कल दूसरा एलिमिनेटर था जो कि लाइन्स और मार्कोस के दरमियान में था, उसमें से जिस टीम ने जीतना था उसने फाइनल में क्वालिफाई करना था। लेकिन कल सुबह बारिश हुई फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा, सुबह से बारिश होती रही थी तो उस वजह से पानी बहुत ज़्यादा ग्राउंड में भर गया था। ग्राउंड स्टाफ ने काफ़ी कोशिश की कि रात तक उसको खुश किया जा सके या मैच के काबिल किया जा सके, क्योंकि टी ट्वेंटी मैच हो तो वो तीन घंटे का होता है, लेकिन ये वनडे मैच था तो सात आठ घंटे का मैच होता है, उसमें ओवर्स भी कम किए जा रहे, उसकी लिमिट होती है कि आप कितने ओवर्स कम कर सकते हो। लेकिन वो किसी भी हिसाब से पॉसिबल ही नहीं हो सकता था कि ग्राउंड खुश्क हो सके, तो इसलिए वो मैच जो है अबैंडन कर दिया गया, उसका नतीजा नहीं दिया गया। उसके बाद अबैंडन जब हुआ तो अल्टीमेटली जो मार्कोर की टीम है वो टेबल में टॉप पे थी ना, टॉप ऑफ द टेबल थी, जो टॉप की टू टीमें उसमें थी वो, और लांस की टीम जो वो चौथे नंबर पे थी, तीसरे चौथे नंबर पे थी। इसलिए इस टेबल की स्टैंडिंग की बेस पे जो मार्कोर की टीम है उसको फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है वो। तो अब फिर वही मुकाबला जो टॉप की दो टीमें थी मार्कोर्स और पैंथर्स, उन्हीं के दरमियान अब दोबारा फिर फाइनल में टकराव होगा। पैंथर्स की टीम जो है वो मार्कोर को हरा के फाइनल तक पहुंची है, जबकि जो मार्कोर की टीम है वो अपनी स्टैंडिंग्स का फ़ायदा उठा के, मैच उनका एलिमिनेटर हुआ ही नहीं और वो उसकी वजह से फाइनल में पहुंची है। लेकिन रिलेटिवली होता मोस्टली यही है कि जो टीम एक टॉप की दो टीमें होती हैं वो ज़्यादा बैलेंस्ड होती हैं, वो अगर एलिमिनेटर में आ भी जाएँ वापस तो वहाँ से वो नॉर्मली जीत ही जाती होती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि इन सब टीमों के मेजर प्लेयर्स जो हैं वो, जो आपको पता है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने वाली है उसकी वजह से उधर जा चुके थे, तो इसलिए सारी टीमों को थोड़ा सा सेटबैक तो हुआ था, उनके बैलेंस आउट हो गए थे, कॉम्बिनेशन उनके डिस्टर्ब हो गए थे। तो बहरहाल फिर भी अब ये कि मार्कोर और पैंथर्स जो कि शुरू से लग रहा था सबसे मजबूत टीमें हैं इस टूर्नामेंट की, अब उनके दरमियान में जो है फाइनल खेला जाएगा। तीसरी टीम जो थी ना वो स्टालियंस की थी, जो कि लग रहा था कि मजबूत टीम है, क्योंकि जो डॉल्फिन्स की टीम है और लायंस की, ये तो लग रहा था कि मुश्किलात का शिकार होगी। लेकिन पैंथर्स, मार्कोस और स्टालियंस की टीम है मजबूत टीम थी, लेकिन स्टालियंस जो है ना, जिसमें बाबर आजम थे, शान मसूद थे, मोहम्मद हारिस थे, उसके बाद बाकी सारे नामी ग्रामी जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उसके अंदर खेल रहे थे, तो लग रहा था कि वो टीम फाइनल तक जाएगी या क्वालिफायर तक, लेकिन वो नहीं जा सके, मतलब हार गए वो पीछे। तो बहरहाल ये होता है, और अब ये कि फाइनल जब होगा उसके बाद पता चलेगा। बाकी अब मेन फोकस पाकिस्तान का तो वो आ गया है टेस्ट के ऊपर, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से शुरू होगा, तकरीबन 7-8 दिन रह गए हैं, मुल्तान में वो खेला जाएगा, तो सारे का सारा फोकस आ जाएगा उसके ऊपर। तो ये हैं जी आज की अपडेट्स, 4-5 जो टीमें, 6-7 टीमों के जो सारे आजकल मैचेस हुए उनकी अपडेट हैं। तो अब आज जब कंक्लूड होगा मैच इंडिया और बांग्लादेश वाला, न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला टेस्ट मैच, ये दोनों याद चलेंगे, बाकी वनडे मैच तो अब 2-3 दिन बाद होने हैं, तो उसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।